हेलो फ्रेंड्स, पीएस स्टडी सेंटर में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बातचीत की थी और स्टडी किया था। तो हमने राजनीतिक सिद्धांत क्या है इस तथ्य को जाना, सिद्धांत क्या है और सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, उसके विषय वस्तु क्या है और किस प्रकार की उसकी प्रकृतियाँ थी, जो भी ऐतिहासिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक थी। इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरे पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं कि राजनीतिक सिद्धांत की विकास और उत्पत्ति कैसी हुई। इसमें हम तीन कालों का बात करेंगे, व्यापक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। इसमें हम तीनों के बारे में बात करने वाले हैं और हम राजनीतिक शास्त्र का या सिद्धांत का अध्ययन क्यों करते हैं इस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का विकास या उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, पश्चिमी देशों में राजनीतिक सिद्धांत अनेक चरणों से गुजर चुका है और जैसा कि आपको पता है, प्लेटो और अरस्तु जो थे ये दोनों न्यायशीलता के स्थापक थे और दोनों ने व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने पर जोर दिया और राज्य को एक संस्था माना जिसका उद्देश्य था मेन व्यक्ति की भलाई करना। ठीक है दोस्तों, इसी में हमें आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मध्यकालीन जो समय था, तो मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांत में क्या था, धर्म का समावेश था। वहाँ राज्य का दायित्व केवल यही था कि वो व्यक्ति को किस प्रकार से श्रेष्ठ बना सके, क्योंकि उसका ईश्वरीयकरण किया जा सके। ठीक है, आगे हम इसी में पढ़ेंगे दोस्तों कि प्रारंभिक युग क्या था। तो प्रारंभिक युग में दोस्तों हमने पढ़ा कि राजनीतिक सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित ज्ञान कि प्रारंभिक युग में राजनीतिक सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। वही अगर हम आधुनिक की बात करें या 20वीं शताब्दी का जो मध्यकाल चल रहा है इसमें बात करें तो इसमें जो है राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत सत्ता की संकल्पनाओं को राज्य का मूल विषय बताता है। ठीक है, तो इसमें हम तीन कालों में देख सकते हैं दोस्तों। मध्यकालीन जो था इसमें धर्म का समावेश देखने को मिलता है हमें। प्रारंभिक काल में जो है हमने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जाना और 20वीं शताब्दी का जो मध्य चल रहा है इसमें राजनीतिक सिद्धांत की सत्ता संकल्पनाओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों व्यापक राजनीतिक सिद्धांत। तो दोस्तों व्यापक राजनीतिक सिद्धांत का जो जन्म हुआ ये कब हुआ, ये प्रारंभ से लेकर यानी कि यूनानी सभ्यता से लेकर 19वीं सदी तक इसका जो है विकास हुआ। और इसके अंदर हमें दोस्तों क्या देखने को मिलता है कि राजनीतिक सिद्धांत किसी भी युग में एक नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है बदलता रहा है और ये किस प्रकार से बदला, आपको पता है जितने दार्शनिक होंगे या विचारक होंगे उन्हीं के अनुसार अलग अलग सिद्धांत प्रचलित होते रहे हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई, प्राचीन यूनानी सभ्यता से लेकर 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, व्यापक राजनीतिक सिद्धांत के जो विचारक थे उनका सिद्धांत क्या था, उनका सिद्धांत जो था वो चिंतन था, चिंतन पर आधारित था, परंपरा पर आधारित था, दर्शन पर आधारित था और विचारवाद पर आधारित था। तो ये व्यापक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हो गया कि किन बिंदुओं पर आधारित थे। इनका केंद्र बिंदु जो था वो चिंतन था, परंपरा था, दर्शन और विचारवाद था। आगे दोस्तों इसी में एक जो महान राइटर्स हुए, जो थिंकर्स हुए हैं, उनका नाम है शेल्डन। शेल्डन ने जो अपने व्यापक राजनीतिक सिद्धांत को बताया वो दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि उन्होंने क्या तथ्य बताए जो व्यापक राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों व्यापक राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीतिक सिद्धांत ये क्या है, साधारण जनता के साथ राजनीति को पहचानने का प्रयास करता है। व्यापक राजनीतिक सिद्धांत में हम साधारण जनता को राजनीति के साथ जोड़कर उसको जानने का प्रयास करते हैं। और जो दोस्तों इसका क्या है कि इसके मुख्य विषय जो है वो कार्यकलाप, संबंध एवं विश्वास से संबंधित है। ठीक है, व्यापक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, संतुलन बनाए रखना, सामंजस्य बनाए रखना एवं साम्य पर बल देना। तो व्यापक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो समाज में व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है, संतुलन बनाए रखने की बात करता है और समानता यानी कि साम्य पर बल देता है। ठीक है, और भी कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हमें पता चलता है व्यापक राजनीतिक सिद्धांत पे। इसके और दो जो है दोस्तों महान राइटर्स वो हुए हैं प्लेटो और जो है ऑगस्टीन। तो जो व्यापक राजनीतिक सिद्धांत के विचारक प्लेटो थे, प्लेटो ने दोस्तों आदर्श राज्य की बात की और ऑगस्टीन जो थे उन्होंने ईश्वरीय राज्य की कल्पना की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि व्यापक राजनीतिक सिद्धांत ने क्या था दोस्तों, इसमें जो था ये सबसे किसको अच्छा मानते थे, ये राजतंत्र को। लेकिन किस प्रकार के राजतंत्र को, व्यापक राजनीतिक सिद्धांत ने आदर्श रूप में राजतंत्र के सबसे अच्छे रूप को प्रधानता देते हुए परिवर्तनवाद को भी महत्व दिया। ठीक है, इन्होंने राजतंत्र को तो इंपॉर्टेंस दी लेकिन परिवर्तनवाद को भी इन्होंने नहीं नकारा। इस प्रकार से व्यापक राजनीति सिद्धांत जो है आदर्शवाद या नैतिकवाद और जो है परंपरा आदर्श और विचारवाद और चिंतन पे आधारित था। अब आगे हम बात कर लेते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की। तो राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में भी दोस्तों दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहला है उदारवादी और दूसरा है मार्क्सवादी। तो उदारवादी क्या कहता है कि यह परंपरा है जिसका व्यक्तिवाद, बहुलवाद एवं सम्भ्रात वर्गवाद से संबंधित है। वहीं मार्क्सवाद कहता है कि यह आधुनिक विचारधाराओं से संबंधित है जिसमें द्वंद्वात्मक, भौतिकवाद आदि आते हैं। अब हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं। तो आधुनिक से क्या, हमें आधुनिक जैसे है कि नाम से ही पता चलता है मॉडर्न। ठीक है, तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने क्या बोला, इनने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत बीते को छोड़कर जो अब चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य या मुख्य पॉइंट था वो यही था कि बीते को छोड़ो और जो अब चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करो। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय जो हुआ वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसका अभी तक जो है विकास चल रहा है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है दोस्तों वो बात करता है बीते को छोड़ अब की, और जीवित को निर्जीव से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है दोस्तों ये जीवित को निर्जीव से अधिक इंपॉर्टेंस देता है और दूरस्थ को समीप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दूरस्थ से यानी दूर की चीज़ों को छोड़कर पास की जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और इसमें दोस्तों क्या है, ये घटनाओं के प्रयोजन से अधिक उनकी प्रक्रिया, विश्लेषण एवं निष्कर्ष पर आधारित है। जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये निष्कर्ष पर और उसके विश्लेषण पर अधिक महत्व देता है। ठीक है दोस्तों, ये आत्मा परकता का स्थान वस्तु परकता ने ले लिया। ठीक है, आत्मा परकता की जगह पे जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये वस्तुवाद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और एक मुख्य पॉइंट और कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये यथार्थवाद की बात करता है। यथार्थ प्रकृति का समावेश देखने को मिलता है हमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में। तो इस प्रकार से हमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पता चले कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है दोस्तों। इसमें एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश है, ठीक है, यथार्थवाद का अध्ययन है और इसमें मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। और इसमें दोस्तों आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में एक पॉइंट और कि तथ्यों को प्रासंगिकता दी जाती है और इसमें अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर्ली अनुशासन के द्वारा इसमें स्टडी किया जाता है। और परंपराओं से दूर है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है दोस्तों ये परंपराओं से दूर रहा है और वर्तमानवाद की बात करता है, यानी जो वर्तमान में चल रहा है उसको इंपॉर्टेंस देता है। अब हम बात कर लेते हैं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, समकालीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, समकालीन यानी उसी के समक्ष, यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समक्ष काल की ही हम बात करेंगे कि इन जो ये विचारक थे ये क्या बात करते हैं। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत जो है क्या दोस्तों, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विचार के रूप में देखा गया है। ठीक है, इसमें विषय वस्तु को महत्व दिया गया है, महत्व को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जांचा जा सकता है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत जो है उसके विषय वस्तु के महत्व को हिस्टोरिकल वे में यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के द्वारा जांचा जाता है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में इसमें अनुशासन को नया जीवन प्रदान किया जाता है। हमने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ा कि इसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अनुशासन तरीके से अनुशासनबद्ध अध्ययन किया गया। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत इसमें क्या कहता है कि अनुशासन को नया जीवन प्रदान करने तथा लोकतंत्र, न्यायशीलता, शक्ति, सत्ता आदि संकल्पनाओं के अर्थ पर समालोचना की। तो जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत था अनुशासन को इसने एक नया जीवन प्रदान किया, लोकतंत्र, न्यायशीलता, शक्ति तथा सत्ता को इसने समालोचना की, साथ ही इनका वर्गीकरण भी किया। ठीक है, तो ये जो हुआ ये समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, इसको कठिन सैद्धांतिक प्रश्नों, जो राजनीति से जुड़े कठिन राजनीतिक सिद्धांत थे या जो प्रश्न थे उनको समकालीन राजनीतिक सिद्धांत ने सरलीकरण किया, उनको सरलतम यानी इजी वे में उनको प्रकट किया। ठीक है, अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था कि यह अनुशासनबद्ध था, तो उसी को जो है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत ने क्या किया, उसको नया जीवन प्रदान किया। लोकतंत्र और जो न्यायशीलता, शक्ति आदि थी उनकी क्या की, इन्होंने आलोचना भी की। अब बात कर लेते हैं कुछ और अन्य पॉइंट्स की। तो जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या है, मुख्यतः व्याख्या, प्रयोग और निष्कर्ष पर आधारित है। ठीक है, तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, व्याख्या को, प्रयोग को और निष्कर्ष को, इनके ऊपर मुख्य ध्यान दिया जाता है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंदर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की विकास और उत्पत्ति कैसी हुई। तो हमने इसमें जाना ये व्यापक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करें, यानी हमारे राजनीतिक सिद्धांत का हमारे लिए अध्ययन आवश्यक क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम ऊपर जो पूरा जो स्टडी हम कर चुके हैं, तो आपको भी आइडिया लग गया होगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है। तो मैं आपको एक बार कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो जो है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान है। तो इससे हमें राजनीतिक जो भी गतिविधियाँ चल रही है, इससे हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, सिद्धांत के निर्माण एवं अध्ययन से ही पता चलता है कि राजनीतिक गतिविधियाँ किस प्रकार की है और कौन कौन सी तथा क्यों हो रही है। ठीक है, और राजनीतिक सिद्धांत जो दूसरा जो काम आता है दोस्तों, वो क्या है कि भविष्यवाणी करने की क्षमता। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हमें भविष्यवाणी करने की क्षमता मिलती है कि आने वाले समय में किस प्रकार के सिद्धांतों पर चलना चाहिए, नैतिक नीतियों को किस प्रकार से बनाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि ये हमें वातावरण को समझने में महत्व देता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के अभाव में अपने नैतिक या सामाजिक वातावरण को, आपको पता है, हम नहीं समझ सकते। इसके द्वारा जगत के यथार्थ को, हम रियलिटी को जो चल रहा है हमारे, उसको जान पाएंगे। विश्वास योग्यता एवं संचनीय ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है इससे, और शैक्षिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम राजनीति से जुड़ी सारी समस्याओं वगैरह का अध्ययन करते हैं, उनकी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो इससे क्या है, ये हमें शैक्षणिक योग्यता भी हमारी बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो राजनीतिक सिद्धांत के इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर